स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 11 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स किसी भी चीज में आप फोर्स लगाओगे तो वो उसका शेप चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, आप घर पर ट्राई करना। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे देखो एक डिश है, डिश के ऊपर अगर आप ऐसा करके ये क्या है रोटी बना रहे हैं, फिर मिस कप ओके क्या है अ लंप ऑफ द डॉग ऑन अ प्लेट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन एंड हाउ टू अप्लाई फोर्स प्रेसिंग इट डाउन मीन्स हाथ से उसको नीचे प्रेस करोगे तो क्या होगा, तो मोशन चेंज होगी कि नहीं होगी या शेप चेंज होगा कि नहीं होगा वो बताना है। फिर किस पे सीट पे आप बैठोगे तो मोशन चेंज होगी कि शेप चेंज होगा वो बताना है। फिर ये है क्या, बाय हैंगिंग वेट बाय पुलिंग अ फ्री हैंड, फ्री हैंड पे आप हैंग कर रहे हो किसी वेट से तो ओके। तो ये सब एक्टिविटी है, वो घर पे ट्राई कर देना आप। तो जब भी आप ये सब एक्टिविटी करोगे तो उससे आपको पता क्या चलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड टेबल, तो क्या पता चला हमको। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे देखो, हैविंग अ परफॉर्म ऑल द अबो एक्टिविटी यू वुड हैव रियलाइज दैट, हमको क्या पता चला, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट मीन्स जब भी आप किसी भी चीज को अगर आप फोर्स लगाओगे तो जो वो ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट पोजिशन में है तो वो मूव करेगा। किसमें दिख रहा है आपको, इसमें से किसमें दिख रहा है, इसमें से ज्यादा ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, लेकिन कल वाला एग्जांपल देखो, हाथ में पहले बॉल हमारा हाथ में पकड़ के रखा था तो रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जैसे हाथ से एक्सटर्नल फोर्स देंगे मिस बॉलिंग करेंगे तो हाथ से बॉल छोड़ेंगे तो रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ गया, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो उसकी स्पीड जो है जो मूव हो रही है वो चेंज हो जाएगी। कैसे, मान लो कि हम किसी स्लोप पे नीचे जा रहे हैं तो जो व्हीकल है उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्लोप पे ऊपर जाएंगे तो मीन्स जो स्लोप है स्लोप का जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो फ्रिक्शन इसके लिए ऑपोजिशन का काम करेगा, मीन्स फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। मीन्स किसी भी चीज पे आप जब ऊपर जाने का ट्राई करोगे तो आपकी स्पीड कम होगी, और किसी भी चीज में जब आप नीचे जाने का ट्राई करोगे तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, क्या कि चेंज द स्पीड चेंज होगी ऑब्जेक्ट की अगर वो मूव हो रहा है तो। थर्ड, मे चेंज द डिरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या डिरेक्शन भी चेंज कर सकता है। कैसे, बात की थी ना क्रिकेट, तो क्रिकेट में बॉलर सामने से बॉल फेंक रहा है तो जैसे ही अगर बैट्समैन बैट से उसको सिक्स लगाता है तो वो जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बॉलर ने बॉलिंग की उसी डायरेक्शन से जाएगा, बैट्समैन तो उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ओके, उसके लेग साइड उसके ऑफ साइड कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो डिपेंड करता है बैट के मोशन पे, इस पे डिपेंड करता है बैट के मोशन पे। तो मे चेंज द डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे जैसे हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट की मोशन की डिरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा ओके। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ, मे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी देखो वो पंच बॉल आता है, पंच बॉल को आप हाथ से प्रेस करके अगर बॉल पे ऐसे खींच के फेंकोगे ना तो पंच बॉल जब बॉल से टकराता है तो उसका शेप में वो थोड़ा सा बॉल के कारण वो थोड़ा सा पुश हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाता है। मे कॉज सम ऑफ द ऑल मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट मीन्स कभी कभी इसमें से कोई एक ही इफेक्ट होती है और कभी कभी सारी इफेक्ट होती है। तो क्या पता चला हमको एक्टिविटी से कि ऑब्जेक्ट जो अगर रेस्ट पे है तो वो फास्टली मूव करने लगेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में भी चेंज हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक ही स्पीड से तो उसकी डायरेक्शन में भी आप चेंज लगा सकते हो मीन्स चेंज हो सकता है, और अगर आप उसको प्रेस कर रहे हो तो जो उसका शेप जो है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज हो सकता है। तो ये सब चेंजेस किसके कारण आएंगे, तो आपने किसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब।